हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अगर आप नए हो हमारे चैनल में तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम सीखेंगे कि ब्रेकआउट स्टॉक की ब्रेकआउट जो है कि ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आसान है और बहुत ही अच्छी है। अगर आपने इसको सीख लिया तो दोस्तों आपको किसी के भी अंडर में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो और घर बैठे जो कि आप अपना पैसा बना सकते हो और घर बैठे आपका जी हाँ दोस्तों आपका जो है कि मंथली जो है कि जो खर्चा होता है पूरा वो सब आप निकाल सकते हो। बिल्कुल दोस्तों, आप आपकी सोच से ज़्यादा भी जो है कि इसमें कमा सकते हो। स्टॉक मार्केट में ये पावर है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आज आपको जो कि इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों कि ये स्टॉक ब्रेकआउट जो है कि स्ट्रेटेजी जो है कि क्या होती है, कैसे इसको जो है कि अप्लाई किया जाता है, कैसे इसे समझा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए तो आप पूरी तरह से जो कि सीख जाओगे कि किस तरह से जो है कि स्टॉक में ट्रेडिंग करनी होती है जो ब्रेकआउट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जो ब्रेकआउट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो आप पूरी तरह सीख जाओगे। उससे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन को हिट करें, लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो जो कि आप तक पहले पहुंच सके। हम जो है कि इस चैनल पे एजुकेशन पर्पस से जो है कि वीडियोज़ बनाते रहते हैं स्टॉक मार्केट के। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए जो है कि शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज हमारा जो कि टॉपिक जो मैंने आपको बताया कि वही है ब्रेकआउट स्टॉक में ट्रेडिंग करना। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, मैंने तो ये ड्रॉ कर लिया हूँ एक चार्ट को। बेसिकली एक चार्ट जो है कि बनाया हूँ मैंने, ड्रॉ किया हूँ। ऊपर का जो है कि वो रेजिस्टेंस है इसका, नीचे का है वो सपोर्ट है। जी हाँ दोस्तों, तो यही होता है जो कि ब्रेकआउट। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है ना दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो गया है ना। ये मैंने राउंड बना दिया हूँ, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है इसमें। तो दोस्तों अब हमें देखना है कि हमें पोजीशन कहाँ बनाना है और कहाँ नहीं बनाना है। जी हाँ दोस्तों, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये कई दिनों से जो कि एक रेंज में जो है कि ये स्टॉक जो है कि ट्रेडिंग कर रहा है, मतलब यहाँ पे इतने ही जगह में जो है कि चल रहा है ना दोस्तों। यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर सपोर्ट पे आ रहा है, फिर रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर सपोर्ट पे आ रहा है, फिर रेजिस्टेंस पे जा रहा है, फिर सपोर्ट पे आ रहा है, फिर जो है कि रेजिस्टेंस पे जाके उसको जो है कि तोड़ रहा है रेजिस्टेंस को और ऊपर जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मतलब मैं आपको बता देता हूँ ऐसे स्टॉक को चुनना होता है। जी हाँ दोस्तों, ब्रेकआउट के लिए तो उसमें जो है कि बहुत ही अच्छा पैसा बनता है, मगर कैसे तो वो मैं आपको सिखा दूंगा। बहुत दिनों के बाद इस चैनल में चलने के बाद जो है कि जो स्टॉक होता है उसे कैसे पहचाने कि जो कि ये जो कि ब्रेकआउट अप में होगा या नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, बहुत दिनों के बाद यहाँ पे जब जो कि बायर जो है कि बहुत मजबूत हो जाते हैं तो वो जो कि स्टॉक को ऊपर लेकर जाते हैं, फिर जो कि यहाँ पे सेलर हो जाते हैं, सेलर ज़्यादा हो जाते हैं तो ये जो कि नीचे आ जाता है, फिर अपने सपोर्ट पे आता है, फिर यहाँ पे बायर हो जाते हैं, फिर यहाँ पे जो है कि सेलर हो जाते हैं। तो ऐसे कर करके ये स्टॉक जो है कि ऊपर नीचे कुछ दिनों तक चलते रहता है उसी रेंज में। जी हाँ, उसी सपोर्ट पे आता है, उसी रेजिस्टेंस पे जाके फिर से गिरने लगता है। जी हाँ, उसके बाद हमें देखना है कि ये बहुत दिनों के बाद जो कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे रेजिस्टेंस उसका चल रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस को तोड़ेगा बहुत दिनों के बाद, जी हाँ कुछ दिनों के बाद अगर ये रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो ये हो सकता है बहुत बड़ा ब्रेकआउट आपको दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हो बहुत बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है और आपको यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, इस बात की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको जो है कि दूसरा एक चार्ट जो है कि ड्रॉ करके बता देता हूँ कि जो है कि कैसे आपको पहचानना चाहिए। तो देखिए ये एक चार्ट है, ऐसे ऊपर चला गया है ना, हाँ फिर नीचे आ गया, सपोर्ट ले लिया, फिर रेजिस्टेंस पे चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर रेजिस्टेंस पे चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर रेजिस्टेंस पे चला गया, फिर से जो है कि ऐसा कर कर के ये जो है कि ऐसे हो जाता है। तो मतलब इसका ये हो गया है, ये अब ट्रेंड में जा रहा है, हम देख सकते हो दोस्तों, हाँ ये अब ट्रेंड में जा रहा है ना। मतलब देखिए दोस्तों, अगर ये यहाँ से ऊपर जा रहा है और यहाँ पे नीचे आ रहा है और दूसरा जो है कि लो इसका जो है वो पहले लो से ऊपर बना रहा है, इसका मतलब ये है कि बायर जो है ये बहुत ही मजबूत है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से ये स्टॉक को बार बार ऊपर लेकर जा रहे हैं, फिर यहाँ पर सेलर मजबूत हो रहे हैं, फिर जो है कि उसको नीचे लेकर आ रहे हैं, मगर ये पहले
पहले सपोर्ट से ऊपर जा रहा है, देख सकते हो दोस्तों, इसीलिए अप ट्रेंड में जा रहा है ये। पहले से दूसरा सपोर्ट कहाँ बन रहा है इसका, ऊपर बन रहा है ना, आप देख सकते हो दोस्तों। फिर यहाँ पर देखिए ये ऊपर बन गया इससे, फिर यहाँ पर देखिए ये ऊपर बन गया इससे। तो इस तरह से जो कि हमें समझना होता है, अगर ये ऐसे ऊपर जा रहा है और फिर जो है कि अगर ये इसको रेजिस्टेंस को अगर जो है कि ब्रेकआउट करता है ये स्टॉक, इस तरह से अगर जो है कि ये दिख रहा है आपको, और इस तरह से जो है कि आप ये रेजिस्टेंस को अगर जो है कि ब्रेकआउट करता है और फिर ऊपर निकलता है, तो दोस्तों ये स्टॉक बहुत ऊपर जा सकता है, बहुत ऊपर, और आपको बहुत बड़ा पैसा बनाकर दे सकता है दोस्तों। इसकी बहुत ज़्यादा संभावना होती है, इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों। ये स्ट्रेटेजी बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी है, जिससे बहुत लोग जो है कि पैसा बनाते हैं जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं। आप सोच भी नहीं सकते हो दोस्तों, इतना पैसा जो है कि इसमें बनाया जा सकता है घर बैठे दोस्तों। और आपको इंट्राडे करने की भी ज़रूरत नहीं है, इंट्राडे में रिस्क ज़्यादा होता है, ये स्विंग ट्रेडिंग में बहुत ही अच्छा काम करता है जी। अब मैं आपको दूसरा एक चार्ट जो है कि बनाकर बता देता हूँ कि जो कि कैसे होता है। ये एक चार्ट है हाँ दोस्तों, देखिए मैं आपको ये बनाकर बता देता हूँ ड्रॉ करके यहाँ पे। फिर ये यहाँ पे बहुत दिनों तक चलता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ ऊपर जाता है, फिर जो है कि बहुत दिनों तक चलता है ना हाँ, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, करेक्शन देता है, और फिर जो है कि वो ऊपर चला जाता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो है कि इसका रेजिस्टेंस है ना, अब ये इसका सपोर्ट है ना। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों देखिए, ये दोस्तों कितना सपोर्ट ले रहा है ना, बार बार सपोर्ट ले रहा है, और ये फिर रेजिस्टेंस पे आ रहा है। मगर यहाँ पे ये जो एरिया है इसका, ये एरिया यहाँ पे बार बार जो है कि वहाँ पर रेजिस्टेंस पे जा रहा है, मतलब ज़्यादा नीचे नहीं आ रहा है वो, मतलब बायर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसको नीचे आने नहीं दे रहे हैं, समझ रहे हो आप, मतलब बायर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस स्टॉक में, इसीलिए जो है कि इसको नीचे आने के लिए नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पे ये बार बार रेजिस्टेंस पे आता है, बहुत दिनों तक जो है कि यहीं पे जो कि खड़ा रहता है जी हाँ, इसको सपोर्ट पे नीचे भी नहीं आने देता, फिर जो है कि थोड़ा सा आ जाता है, फिर जो है कि ऊपर चला जाता है, फिर यहाँ पर बायर बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, है ना, देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे बायर बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, मतलब इसको बार बार जो है कि ऊपर चला जाता है, बार बार रेजिस्टेंस पे जाता है, वहीं पे जो है कि बार बार जो है कि वहीं पे रहता है ये बहुत दिनों तक जो है कि रहता है। बहुत दिनों तक रहने के बाद जो है कि ये एक यहाँ से इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं दोस्तों, अगर ये बहुत दिनों तक अगर जो है कि रेजिस्टेंस पे है, रेजिस्टेंस पे ही चल रहा है, नज़दीक ही चल रहा है, एकदम नीचे नहीं आ रहा है, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये स्टॉक अब ब्रेकआउट करने के बाद बहुत ऊपर जाएगा जी हाँ दोस्तों, बहुत ऊपर जा सकता है, एक बड़ा जो है कि बड़ा प्रॉफिट बना के दे सकता है, एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिट। तो इस बात को आप ध्यान रखिए दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी है, इसको ध्यान रखिए दोस्तों आप। दोस्तों अगर ये यहाँ पर बहुत बार बार जो है कि रहने के बाद रेजिस्टेंस के पास फिर जो है कि ब्रेकआउट देता है, तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट देता है और बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको बनाकर देता है, इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों। तो इस तरह से जो है कि इसको ट्रेड किया जाता है ब्रेकआउट स्टॉक को, और नीचे की तरफ भी वैसे ही होता है दोस्तों। अगर एक आपने जो है कि स्टॉक को चुन लिया और ये नीचे जो है कि बार बार जो है कि सपोर्ट पर जो है कि आ रहा है, तो जो कि हो सकता है कि ये अपने बार बार सपोर्ट की वजह से सेलर बहुत ज़्यादा मजबूत होने की वजह से इसको जो है कि डाउन में लेके जा सकते हैं, तो ये बहुत गिर भी सकता है इस तरह से जी हाँ दोस्तों। तो इस ये है जो कि स्ट्रेटेजी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इसी तरह से हम जो कि वीडियो बनाते रहते हैं, इसके लिए जो कि हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों आप सबका वीडियो को देखने के लिए।